मैं हूं सानिया एदीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के महिला बाल विकास मंत्री ने अंतर जातीय और अंतर धर्मीय प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को समझने और मदद करने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति बनाई है। खास बात है कि श्रद्धा की हत्या के बाद राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने इस तरह की समिति बनाने की योजना की थी, इसलिए इसे लव जिहाद पर नजर रखने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसी पहल हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में आने वाले समय में कोई माँ बाप अपनी बेटी को श्रद्धा की तरह ना खोए। ये कमेटी दूसरे धर्म और दूसरे जात में शादी करने वाले जोड़ों की जानकारी लेगी। साथ ही ये कमेटी महिलाओं की लिस्ट भी तैयार करेगी जो शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से दूर रह रही हो। मंगल प्रभात लोधा ने कहा कि समिति का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि श्रद्धा हत्याकांड जैसी कोई घटना फिर से ना हो। सच्चाई ये है कि श्रद्धा के परिवार वालों को ये पता ही नहीं था कि 6 महीने पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। हम एक और श्रद्धा नहीं चाहते हैं। आगे कहा कि कमेटी उन महिलाओं पर नजर रखेगी जो अपनी परिवार वालों से दूर रह रही हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जा सके। वही एनसीपी ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार को किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।